लिफाफे खरीदने आए थे आप? लिफाफे खरीदने? लेकिन ये इतने सारे मनी ऑर्डर? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। तुझे क्या करना है? सेठ जी, आपकी दुनिया में मैं ही वो अकेला इंसान हूँ जो आपके सारे राज जानता है। वो राज जो आपके घर वाले तक नहीं जानते मुझे मालूम है। लेकिन ये मनी ऑर्डर आप किसको भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, ये आपने मुझे आज तक नहीं बताया। सुलेमान, इस दुनिया में हर एक इंसान का एक आधराज ऐसा होता है जिसे सिर्फ वो जानता है और कोई नहीं जानता। मैं इस मनी ऑर्डर के राज को हमेशा के लिए छुपा के रखना चाहता था, मगर तू बहुत बदमाश है, तूने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर सेठ जी, जब पकड़ लिया तो फिर छुपाना कैसा, वो भी मुझ जैसे एक वफादार नौकर से। अच्छी बात, बताता हूं, मगर एक शर्त पर, कि राज इस दिल की तिजोरी में हमेशा बंद रहेगा, इस वादे की सील लगी रहेगी, वो सील कभी टूटेगी नहीं। सुलेमान एक मुसलमान है, मुसलमान की सांस की डोर टूट जाएगी लेकिन वादे की सील नहीं टूटेगी। इस दुनिया में लाखों ऐसे बूढ़े हैं जो या तो अकेले हैं या बेमुरव्वत बेगैरत औलादों के बाप हैं, जो भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं मगर उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। अनगिनत अपाहिज हैं जिनकी तीमारदारी करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर गरीबी और मुफलिसी के मजबूत हाथ उनके हाथों से वो किताबें छीन लेती है, वो पढ़ नहीं सकती। ऐसी लाखों औरतें हैं जो बेवा हैं, जो काम करके अपना पेट पालना चाहती हैं मगर उन्हें काम नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन उन्हें अपना शरीर बेचकर इस पेट की अंगेठी में रोटी का कोयला डालना पड़ता है। उन सब की मैं अकेले मदद तो नहीं कर सकता, ना मेरी हैसियत है। हाँ, जितनों के बारे में जानता हूं और जितना मुझसे बन पड़ता है ऐसे मदद कर दिया करता हूं। कसम उस रहमान की सेठ जी, पहले मैं आपकी इज्जत किया करता था लेकिन आज आपने सुलेमान को खरीद लिया। लेकिन सेठ जी, खुद अपने हाथों से पैसे देने की बजाय आप उन्हें मनी ऑर्डर से पैसे क्यों भेजते हैं? इसके भी कई वजह हैं। अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे, बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया।